प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी विल पावर को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, यानी जो आपका माइंड है अलग अलग तरफ जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आज हम सीखेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि विल पावर इंक्रीज करने के क्या लाभ हैं। नंबर एक, इससे आपका माइंड जो है कंट्रोल हो जाता है। नंबर दो, इससे आपकी जो एडिक्शंस है वो छूट जाती है। जैसे आप चीनी बहुत खाते हो, चाय पीते हो, जो आपका डाइट्स है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको जुए की लत है, शराब की लत है, नशे की लत है, वो आपसे छूट जाएगी। तो हम आज सीखेंगे कैसे हम इसको इंक्रीज करें। तो सबसे पहले है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। देखो, हमारे एक्शंस के ही आगे कुछ ना कुछ डिसीजंस बनते हैं। मान लीजिए हमने एक स्मॉल एक्शन लिया, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अपने माइंड को समझाया कि हमने स्टडी करनी है, या हमने अपने माइंड को समझाया कि हमने जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनी। तो आप देखिए कि एक मिनट के लिए आपका माइंड होनेस्ट हो सकता है, वो आपने उसे होनेस्ट बनाना है। एक मिनट की विल पावर इंक्रीज का मतलब है कि अगर एक मिनट आपका माइंड होनेस्ट हो सकता है तो 1 घंटा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे अपनी विल पावर इंक्रीज कीजिए, 1 घंटे से 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। तो धीरे धीरे आपने ऊपर उठना है। अगर आपको मुश्किल आ रही है स्टडी में तो 1 मिनट माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, फिर 1 घंटा, फिर 1 दिन। तो हफ्ते में 1 दिन भी अगर आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, तो समझिए 1 दिन की विल पावर इंक्रीज हो गई। फाइंड सब्स्टिट्यूट। जब आपका माइंड किसी काम को त्यागता है, छोड़ता है, जैसे आपने लॉटरी को त्यागा, गैम्बलिंग की एडिक्शन को त्यागा, तो उस 1 दिन उसे अच्छी चीजें सीखने को दें। किसी अच्छे म्यूजिक को सुने, दोस्तों के साथ बात करें, किसी अच्छे स्थान पे जाएं घूमने के लिए। तो यह जो सब्स्टिट्यूट है यह आपकी विल पावर को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। आपके माइंड में एक स्पेस होता है, इतनी जगह होती है, इतनी जगह होती है, इतनी जगह होती है जहां से भावनाएं, जहां से आशाएं निराशाएं जाती हैं। तो उसमें अपने पॉजिटिव थॉट्स को बंद कीजिए, उस स्पेस को इतना भर दीजिए अपने अच्छे विचारों से, अपनी उम्मीदों से, अपने ड्रीम से, कि उसमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना रह पाए। फोर्थ टिप है, रीड बुक्स फॉर बिकमिंग रिच विद अदर वेज। मान लीजिए ये तो एक एडिक्शन है, जैसे गैम्बलिंग, तो आप अमीर बनना चाहते हो जुए के माध्यम से, तो एक रास्ता हो सकता है, पर देर आर लोट्स ऑफ अदर वेज, अमीर बनने के और भी तरीके हैं। तो किताबें पढ़ें, ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर किसी दूसरे तरीके से अमीर बन सकते हो तो यह गैम्बलिंग का तरीका ही क्यों अपनाया जाए, तो आपकी विल पावर इससे इंक्रीज होगी। ऐसी अच्छी किताबों से अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, उससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्राप्त होगा। डू ऑपोजिट। अगर आपका माइंड कहता है मीठा खाना है, नमकीन दो। अगर आपका माइंड कहता है बाहर घूमना है, सो जाइए। अगर आपका माइंड आपको कहता है शराब पीनी है, उबला हुआ पानी पीजिए। तो सब कुछ उल्टा 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 आपने करना स्टार्ट करना है, तो माइंड आपका थक जाएगा।
या आपकी जीत होगी या आपके माइंड की जीत होगी। आपने अपने माइंड को जीतने नहीं देना, आपने अपनी चलानी है, माइंड के साथ नहीं चलना क्योंकि वो धोखा देगा। कहते हैं मन के जीते जग जीत। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो जग जीतना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो इन कुछ टिप्स को आपने फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी विल पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तथा इस इंक्रीमेंट को आपने अच्छे कामों में लगाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।